बेनीपट्टी प्रखंड के परजवार पंचायत स्थित दहिला गांव में रामचंद्र यादव के घर के पास पीएमजीएसवाई सड़क से दहिला कोसी नहर तक 450 फीट की दूरी में नव निर्मित पीसीसी सड़क एवं अरुण यादव के घर से पीएमजीएसवाई मुख्य सड़क किनारे 700 फीट की दूरी में नव निर्मित नाला का उद्घाटन शुक्रवार को मधुबनी की जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, बेनीपट्टी के बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन व स्थानीय जीप सदस्य अलका झा सहित अन्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मिली जानकारी के अनुसार करीब 20,70,000 रुपए की लागत से जिला परिषद की कस्टम वित्त आयोग योजना मद से उक्त सड़क एवं नाला निर्माण की अनुशंसा बेनीपट्टी के जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 9 की सदस्य अलका झा ने की थी। जिला पार्षद अलका झा के द्वारा उक्त सड़क का नामकरण नेताजी चंद्रकांत झा मार्ग किया गया। उद्घाटन से पूर्व मौके पर मौजूद सभी आगत अतिथियों व ग्रामीणों को मिथिला की परंपरा अनुसार जीप सदस्य के द्वारा पाग व गमछे से सम्मानित किया गया एवं सुंदरकांड की पुस्तक भेंट की गई। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि पूरे जिले में जिला परिषद से अनेकों विकासात्मक योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इस सड़क का नामकरण स्वर्गीय चंद्रकांत झा के नाम से किया गया है, यह सराहनीय है। यह पूरे ग्रामीणों की एकजुटता को देखकर बहुत अच्छा लगता है, यह बहुत ही खुशी की बात है। क्षेत्र के लोगों ने जिला पार्षद अलका झा जैसे जनप्रतिनिधियों को चुनकर बहुत ही अच्छा काम किया है। इन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसे अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है जो खास मायने में रखता है। उन्होंने कहा कि आम जनता हमेशा सही नेता चुने तो क्षेत्र का विकास होना स्वाभाविक हो जाएगा। जिला पार्षद अलका झा आप लोग की सेवाएं कर रही है। वहीं बीडीओ डॉक्टर अमिरंजन ने कहा कि परजवार पंचायत के विकास को जिला पार्षद अलका झा के द्वारा एक नई गति दी गई है। ये विकास के प्रति काफी सजग है, यह मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी देखने को मिलता है। इन्होंने राजनीतिक तोखों के नाम पर सड़क का नामकरण करने का जो सराहनीय काम किया है वो अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी अनुकरणीय है। वहीं जीप सदस्य अलका झा ने कहा कि जनता ने जिस काम के लिए हमें प्रतिनिधि बनाने का काम किया, हम विकास को गति देकर उस भरोसे को कायम रखना चाहते हैं। जबकि सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश झा ने कहा कि सड़क नहीं रहने से ग्रामीणों को आवाजाही करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और निर्माण की पहल शुरू होते ही कई तरह से अवरोध भी उत्पन्न हुए, लेकिन ग्रामीणों की एकजुटता ने सबको सफल बनाने का काम किया है। मौके पर बेनीपट्टी प्रखंड जदयू अध्यक्ष प्रदीप कुमार झा वासु, राजद प्रखंड अध्यक्ष रामवरण राम, राजद के जिला महासचिव विजय कुमार यादव, समाज सेवी मुकेश झा, सुंदर मिश्र, अमोल झा, हरिकांत झा, जदयू नेता विनोद मंडल, डॉक्टर शंकर झा, भोगी मिश्र, शिवशंकर पासवान, राजा मिश्र, राधेश्याम यादव, पूर्व मुखिया लाल नारायण सिंह, सतनजीव झा, नवकांत झा, शांति देवी, सरपंच मीनू देवी, सुनील सुमन व शिवजी पासवान सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।